सब्सक्राइब कीजिए HT गेमिंग वर्ल्ड चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए ताकि आप गेमिंग प्लस मॉर्निंग वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल HT गेमिंग वर्ल्ड। तो गाइस यार आज के इस वाली वीडियो में हम दोबारा से खेलने वाले माइनक्राफ्ट। आप बोलोगे कि माइनक्राफ्ट में आज क्या करने वाले, तो गाइस यार देखो आज के इस वाली वीडियो में हम जाएंगे मतलब करेंगे फार्मिंग के साथ साथ हम जानवरों को पालना स्टार्ट कर देंगे फ्रेंड्स हमारे और वीडियो में। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने आज के इस वाली वीडियो में मेरा नया घर बनाया है। इस घर को बनाने में भाई बहुत मेहनत लगी है। माना कि यार ये कोई आलीशान घर जैसा नहीं है, कोई महल नहीं है, लेकिन तो भी फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए मैंने कितने गाँव, कम से कम 3 गाँव में सब कुछ लूट लिया भाई। एक टॉर्च, एक दरवाज़ा तक नहीं छोड़ा। वैसे दरवाजे मैंने स्टोर कर लिया और ज़्यादा ही पड़ गए थे तो मैं उन्हें वापस भी दे आया। तो चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ ऊपर चढ़ करके हमारा घर अंदर से कैसा दिखता है। फिलहाल के लिए अंदर से कुछ भी नहीं करा है, लेकिन तो भी मैं एक बार अंदर जाकर आपको बता देता हूं। तो चलिए हम हमारे घर के तरफ थोड़ा चलते हैं। ओके तो गाइस यार आप देख सकते हैं ये अंदर से हमारा घर कुछ इस टाइप में। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक चेस्ट रखी हुई इस तरफ में और यहाँ पर है हमारा क्राफ्टिंग टेबल, मतलब हम यहाँ पर से बैठकर क्राफ्ट कर सकते हैं। तो और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स मेरा बेडरूम इस तरफ में, मतलब छोटा सा ही कमरा है आप देख सकते हैं सामने। तो गाइस यार आप देख सकते हैं ये हमारा बेडरूम है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक पत्थर था, पता नहीं ये एक बार 2 मिनट में थोड़ा पत्थर को वापस लगा देता हूँ यहाँ पर से। तो ठीक है, तो गाइस यार पत्थर की जगह मैंने डर्ट लगा दी, कोई बात नहीं। तो गाइस यार आप देख सकते हैं और ये जो मुझे रेड स्टोन है ना, यहाँ पर मुझे एक स्टैंड सैंड की जगह पर से मिले थे। गाइस यार आप मुझे कमेंट कर बताओ कि आप कभी नीचे गए हो क्या, और नीचे मेरा हॉर्स का स्टेबल है, मैंने यहाँ पर से नज़र रखने के लिए उन्हें इसी तरफ बना दिया क्योंकि मैं अभी यहाँ पर देख सकूँ। और मैंने ऊपर की तरफ कांच इसलिए रखे हैं ताकि मुझे टाइमिंग का अंदाज़ा हो कि रात हो चुकी है, दिन हो चुकी है। तो गाइस यार आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया है। और फिलहाल के लिए हमारे पास कुछ ज़्यादा हथियार नहीं है। और आगे की तरफ में हमें फार्मिंग करनी है तो मैं फेंस भी लाया था, तो मैं एक बार देख लेता हूँ मेरी चेस्ट ओपन करके कि मेरे पास अभी फेंस पड़ी हुई है कि नहीं है। तो गाइस यार आप देख सकते हैं मेरे पास अभी के लिए फिलहाल के लिए चेस्ट नहीं है, लेकिन मैं लाया था और मैंने लाकर रखी थी हमारे उसमें। और गाइस मैंने आपको बताया नहीं कि मेरे इस वाले कमरे में क्या था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वैसी खाली चेस्ट रखी हुई है बहुत सारी। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने इसलिए संभाल, वो भी मैं वहीं से लूट लूट के लाया था। तो ठीक है, अब मैं इसे यहाँ पर से ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो गाइस यार आप देख सकते हैं इतने सारे टॉर्चेस हैं, चेस्ट है जो मैं वहीं से पकड़ पकड़ के लाया था, और फेंस भी है जो मैंने उन्हीं के खेत से निकाल निकाल के लाई है। तो फेंस हम रख लेते हैं, मैंने आर्मर एक पहना हुआ है और आर्मर पहना है। ओके तो गाइस यार हमारे पास फिलहाल के लिए इतना ही सामान है, तो हमें यहाँ पर से और ज़्यादा कुछ लाना पड़ेगा। तो मैं एक बार देख लेता हूँ हमारे पास और भी फार्मिंग। ओ भाई मैंने लीड नहीं लाया यार, हम लीड लाते थे और हमें वीड भी चाहिए होगा। तो सामने की तरफ में मैं एक पहले घोड़े पर बैठकर निकल लेता हूँ। सामने की तरफ में ये गांव है, तो हम वहाँ पर, और गाइस यार आप देख सकते हैं सामने की तरफ में जितनी भी जगह खाली है ये अभी मैंने की, यहाँ पर बहुत सारे झाड़ थे। जिसने मेरा पहले वाला एपिसोड देखा होगा उसे पता होगा कि यहाँ पर कितने सारे झाड़ पड़े हुए थे। तो गाइस यार फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर से सब कुछ हटा दूंगा, उसके बाद हम यहाँ पर से सिंपली चले जाएंगे। और ये जो खाली मड है मैं यहाँ पर से इसे सबको भर देने वाला हूँ। भरने के बाद हम हमारी पहले फार्मिंग स्टार्ट करेंगे, बाद में यहाँ पर से मुझे बकरी की आवाज़ है, मतलब भेड़ की या घूम रही है। तो गाइस सामने की तरफ में आ चुका है गांव, मेरे गांव के पास। ओके तो भाई साहब यहाँ पर मुझे घोड़ा भी मिल गया, चल तेरे तो ऐसी की तैसी, तो हमें उसका कुछ करना भी नहीं है। तो गाइस यार आप देख सकते हैं वो घोड़ा फिलहाल के लिए हमारा ही था, मैंने शायद उसे के माउंट करके रखा हुआ था। और गांव में फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कैट भी बहुत सारे देखने को मिल जाती है। मैं यहाँ से ऊपर चढ़ जाता हूँ, तो यहाँ पर से मुझे कुछ ओके किसी के घर में जाते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर से हमें वो भी गोलम देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा, जो हमें नुकसान पहुँचाते हैं अगर हम उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पर मुझे कई सारा खाना भी मिल जाए, अगर खाना मिलता है तो गाइस फिर तो बात ही कुछ नहीं है, हमें देखते रह रहा है। कोई बात नहीं, मुझे सामने की तरफ में दरवाज़ा दिख रहा है, मैं यहाँ पर से एक बार अंदर चले जाता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स मैं अंदर आ चुका हूँ और मुझे यहाँ पर कोई चेस्ट देखने के लिए नहीं मिल रही है। भाई साहब तेरी तो ऐसी की तैसी, कोई तो काम की चीज़ रखा कर। तो यार मैं इन्हें मारूंगा तो शायद गोलम स्पॉन हो जाएगा। यहाँ पर इतने सारे बंदे करके आ रहे हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन गांव में फ्रेंड्स हैं तो गांव में बंदे तो होंगे ही। अब मैं कहाँ पर ढूंढूं यार मैं, क्योंकि यहाँ पर से इनका सब लूट कर लेकर चला गया था, तो मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पर डबल डोर दिख रहा है, मतलब कोई अमीर बंदे का घर होगा। तो मैं यहाँ पर से एक बार अंदर जाकर देख लेता हूँ। भाई यहाँ पर आयरन के ब्लॉक्स रखे हुए हैं यार, आयरन के ब्लॉक्स मैं पहले इनके लेके चले गया था, एक लाते कहाँ से मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ पर से मुझे आयरन ब्लॉक्स मिल चुके हैं, तो मैं यहाँ पर, हम एक बार यहाँ पर से देख लें क्या ये क्या कर रहा है, इससे ट्रेड हमें नहीं करना है। तो चल तेरी तो ऐसी की तैसी। तो यार ये कुछ बना रहा था, तो हम इससे हम बना लेते हैं। अब पता नहीं यार ये क्या बना रहा था, तो हम इसे ले लेते हैं। ओके तो गाइज यार ये इनपुट फ्यूल रिजल्ट तो ठीक है यार, ये फर्नेस था एक टाइप में, तो मैं ये तोड़ लेता हूँ, फर्नेस हमारे बहुत काम में आएगा।
ओके तो गाइज यार मैं फर्नेस कलेक्ट कर लेता हूँ, आ जा। ओके तो गाइज यार आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक विलेजर के घर पर आ चुका था और बाहर की तरफ में मुझे जॉम्बीज की आवाज़ आ रही है। और जब मैं विलेजर के घर पर आया था तो भाई साहब मैंने देखा ये इसके बेड पर खुद ही सोया हुआ है। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इसके लिए वेट करते रहे, तो गाइज यार मैं इसे उठाने जा रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा। तो गाइज यार ये उठ चुका है और हम सो जाते हैं अब आराम से। तो गाइज यार इसे उठाने के बाद हम सो चुके हैं और जब सुबह होगी तो सुबह होने के बाद गाइज हम तो ठीक है, यहाँ पर से हल्की सी सुबह हो चुकी है। ओके तो ये गाइज यार जितने भी यहाँ पर से जॉम्बीज थे ये सबके सब अपने आप ही मर जाएंगे। तो गाइज मैं यहाँ से जो सिंपली बाहर की तरफ में चले जाता हूँ और हमारा जो खेत था वो इसी तरफ में था, आगे की तरफ में। तो मैं एक बार वहाँ पर चले जाता हूँ, उसके लिए हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। चल तेरी तो ऐसी की तैसी। ओके तो गाइज यार जितने भी विलेजर्स से मुझे पता नहीं गुस्से से क्यों देख रहे हैं। तो गाइज यार मैं यहाँ से जो सिंपली आगे की तरफ में चले जाता हूँ। ओके तो यार हमें वीट भी चाहिए होगी, कैरेट फ्रेंड्स यहाँ पर खरगोश को ललचाने के लिए, और मुझे खरगोश का कुछ काम तो है नहीं। हमें यहाँ पर वीट का फार्म ढूंढना है जिसके मदद से हम यहाँ पर भैंसों को ललचा पाएँ। और ये क्या भाई? ओके तो गाइस यार ये घंटी है, जब हम इसे बजाते तो ये यहाँ से जो है सिंपली डर कर भाग जाते हैं। मैं इसे बाद में ले जाऊँगा। तो गाइज यार आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी विलेजर्स हैं ये सब अपने घर कर अंदर चले गए। तो यार कितनी अच्छी बात है ये, और हम यहाँ से जो है सिंपली फिर से फॉर्म ढूंढने लग जाते हैं। यार मैंने देखा तो था इनका फॉर्म की तरफ में, मुझे यहाँ पर वीट का खेत दिख चुका है फ्रेंड्स, आप भी देख सकते हैं। और वहाँ पर वो शायद उसकी गार्ड कर रहा है, वो हमें यहाँ फिर से लाने नहीं देगा, लेकिन हम तो भी गाइज यार चले जाएंगे। और मेरी हेल्थ जो है यहाँ पर से, अगर मैं यहाँ पर से गिरा तो कम हो जाएगी, तो कोई बात नहीं यार, गिरना तो पड़ेगा। ओके यार हम फेंस से सच उड़ी मार कर नहीं जा सकते। तो गाइज यार मैं यहाँ पर से सिंपली जो है नीचे की तरफ में चले जाऊँगा। नीचे की तरफ में जब हम चले जाएंगे तो गाइज यार हम यहाँ से जो है आसानी से नहीं, पता नहीं वहाँ पर उसकी गार्ड करने के रुका है कि पता नहीं क्या है, जो मर्जी है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर से जितने भी इनके ये जो इन्होंने उगाई थी, पता नहीं यहाँ पर से जो वीट उगाई थी गाइज यार इन्होंने, मैं इनकी जो यहाँ पर से पूरी वीट जो है अपने साथ अपने घर पर लेकर चला जाऊँगा। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे पहले इन्हें ख़त्म दोनों को। ओके तो गाइज यार मैं इनकी नहर में गिर चुका भाई, जो इन्होंने नहर बनाई थी मैं ही गिर गया उसमें। ओके तो गाइज यार आप लोग देख सकते हैं मैंने फार्म से पूरे बहुत सारे सीड्स लेकर आ चुका था, उनके जो वीट थे फ्रेंड्स मैंने वैसे ही गाय भैंस को खिला दिए थे रास्ते में। मुझे लगा था मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे, पता नहीं कहाँ पर चले गए। और फिलहाल के लिए मुझे ये सब खड्डे जो यहाँ पर मैंने बना कर रखे हैं, मतलब जब मैंने यहाँ पर से झाड़ काट रहा था तो गलती से कभी कभार कट जाते थे, मुझे ये सब के सब को वापस से भरना पड़ेगा। क्योंकि हमें यहाँ पर से अगर फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो मैं चाहता हूँ यार ये एकदम अच्छा हमारा घर एकदम बढ़िया दिखे, कोई गंदा वैसा नॉर्मल सा दिखे नहीं, एकदम बढ़िया दिखे। बेशक हम पॉकेट एडिशन खेल रहे हैं, पॉकेट एडिशन में हमें उतने फंक्शन देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन भाई साहब ये क्रीपर था, अरे यार सत्यानाश यार, हम यहाँ पर खड्डे भर रहे थे और इसने क्या बेवकूफ़ी कर दी क्रीपर ने, आके मैं भी वही सोचूं कि मुझे इसने खींच कर मारा किसने। भाई साहब मेरी पूरी हेल्थ ही चले गई थी। तो फिलहाल के लिए मुझे ये सब भरना पड़ेगा, और मेरे पास अभी डर्ट भी है बहुत सारी बची तो हुई है। और वो अच्छा हुआ उसने कोने में किया, अगर बीच में करता तो भाई साहब मैं पक्का ये वीडियो बंद कर देता और शायद बनाता भी नहीं। तो हम यहाँ से जल्दी जल्दी ये सब भर लेता हूँ मैं, और उसके बाद हमें यहाँ से फेंस लगाना स्टार्ट करना। और फेंस जो है मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए थे, क्योंकि जब मैंने घर बनाना था तो मैंने टॉर्चेस के लिए गाँव में लूट मचा दी थी, और गाँव में मुझे फेंस भी मिले थे जो उन्होंने खेत में अपने घोड़े को बांधने के लिए रखे होते हैं, मैं वो भी सबके सब ला लिया था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे पास फेंस है, तो मैं फटाक से फेंस को लगाना स्टार्ट कर देता हूं। तो गाइस यार आप लोग देख सकते हैं मैं यहां पर से कितने सारे बिछाते बिछाते आ चुका हूं, और यहां पर से बहुत टाइम हो चुका है, फेंस भी खत्म होने वाले। तो मैं चाहता भी नहीं कि गाइस यार फेंस इतनी जल्दी खत्म हो। तो हम यहां पर से किनारे पर पहुंच चुके थे जहां पर हमें जाना था। तो गाइस यार मैं देख लेता हूं यहां। ओके तो गाइस यार मैं मेरा यहां पर से दोस्तों थोड़ा और फेंस लगा देता हूं, हम यहां से जो हमारा खेत स्टार्ट और आगे की तरफ में बढ़ा सकते हैं। अगर देखा जाए तो हम अगर एस टाइप में जाएं तो हम यहां पर से और बड़ा कर सकते हैं। और ये फेंस फायदा गाइज यार ये होता है कि यहाँ पर से जो जानवर उंगर है यहाँ पर से भागकर जाते नहीं है, आते भी नहीं है फ्रेंड्स अंदर। तो गाइज यार आप देख सकते हैं इतनी जगह पर हम हमारी खेती करेंगे। तो खेती करने से पहले गाइज यार मैं यहाँ पर से थोड़े और फेंस, यार मेरे फेंस खत्म हो चुके हैं, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर से आप देख सकते हैं अगर मैं फेंस के ऊपर से जंप मारूंगा तो शायद नहीं जा पाऊंगा। ओके तो नहीं गया, मुझे पता था। तो गाइज यार हमें यहाँ पर से जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर से हम अगर इस तरफ में जाएंगे तो बाहर आ चुके हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से जो है सिंपली ऊपर की तरफ में चले जाते हैं। ऊपर की तरफ में जाने के बाद मेरे पास और कई सारे फेंस पड़े हुए थे सामने की तरफ में, तो मैं वो वाले भी ले लेता हूँ। ओके तो गाइज यार आ जा यहाँ पर से, हम हमारे और 64 फेंस यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ओके यार ले ले, ठीक है। तो यहाँ पर से गाइज यार मैं ओके तो गाइज यार ये क्या हो रहा है यार, पहले मैं यहाँ पर से फेंस हटा देता हूँ।
ओके तो गाइस यार मुझे यहाँ पर से जो सिंपली बाहर की तरफ में जाना है, तो मैं यहाँ से जो सिंपली आसानी से चले जाता हूँ। और आप देख सकते हैं मुझे फेंस का गेट भी चाहिए होगा जो मेरे ख्याल से चेस्ट में पड़ा हुआ है, दूसरी चेस्ट में, तो मैं वहाँ से निकाल लूँगा। पहले मैं ये सब साफ कर दूँ क्लियर। तो गाइस यार वहाँ पर बाहर क्रीपर घूम रहा है क्या यार? ओके तो गाइस यार ये किसकी आवाज़ आ रही है भाई? ओके 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 तो यार ये धूप से खुद ही मर जाएगा, मुझे इसका लेना देना नहीं है। तो गाइस यार ये मेरे पास आ रहा है, देखो यार मर रहा है लेकिन तो भी आ रहा है। ओके तो मुझे क्या करना है? तो भाई क्रीपर नहीं नहीं यार, जितना डर मुझे एंडरमैन से नहीं लगता भाई साहब, उतना मुझे क्रीपर से लगता है यार। आप देख सकते हैं इसने क्या तमाशा बना दिया भाई, क्या मजाक चल रहा है क्या गाइस यार? ये दिमाग खराब, मैंने इतनी मेहनत से यहाँ पर से पूरे डर्ट, भाई यार इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे। और मेरे पास यार भाई डर्ट भी मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएगी, अब मैं करूँ क्या? चेस्ट में रखी हुई होगी तो किस्मत, अगर नहीं हुई तो गई। तो यार शिट, तो गाइस यार पहले मुझे ये सब बंद करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं सिंपली कर लेता हूँ। मैं इस बाद में सेट सकते हैं, मेरा जो फेंस का काम था यहाँ पर से पूरा हो चुका है और सामने की तरफ में मेरा रास्ता खुला है ना। हाँ नहीं तो ऐसा ना हो कि पता चले कि मैं ही फंस जाऊँ। तो ओके तो भाई इसे टूट यार जल्दी। तो यार ये बारिश का मौसम कहाँ से आ गया? अब अंधेरा होगा और ज़ॉम्बी स्पॉन होंगे, यार कितनी बुरी किस्मत है। तो कोई बात नहीं, तो गाइस यार मैं यहाँ पर से जो सिंपली फटाफट जल्दी से नहर बना देता हूँ। हम सिंपली मुझे यहाँ पर से बीच की तरफ में यहाँ पर खड्डे करते हुए जाना, और मेरे ख्याल से ऐसा हम अगर करेंगे तो गाइस यार हमारे पास वो भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, मतलब हमारे पास पानी भी इकट्ठा हो जाएगा। तो गाइस यार बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। ओके तो भाई गाइस यार ये पूरा स्ट्रॉन्ग ही है, मतलब पूरा तूफानी टाइप बना हुआ है। तो भाई कोई भी आए भाई, मैं इतना नहीं चाहता कि यार क्रीपर आकर मुझे तंग करे, इतना डर मुझे आजकल 100 ड्रैगन से नहीं लगेगा भाई जितना क्रीपर से लगता है। मतलब यहाँ पर से जो ज़ॉम्बी स्पॉन हो, अगर स्पॉन हुए तो गाइस यार वो मरेंगे नहीं, और मुझे सामने की तरफ में ओके तो कोई भी नहीं, यहाँ पर पानी की बूंदें थी। तो पहले मैं यहाँ पर से जो सिंपली डर्ट निकालते निकालते आगे की तरफ में चले जाता हूँ, और क्योंकि हमें नहर बनानी है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर पानी रहेगा तो मिट्टी गिल्ली होगी, और मिट्टी गिल्ली होगी तो हम यहाँ पर से जो सिंपली खेती कर सकते हैं। तो गाइस यार मुझे इतनी नहर काफ़ी लग रही थी, तो मैं यहाँ पर से इतनी कर लेता हूँ, और सामने की तरफ में हम पहले कलेक्ट कर लेते हैं जितने भी हमारी वुड्स थी। तो ओके तो गाइस यार हम यहाँ पर से जो आसानी से एक बहुत बढ़िया फार्म बना सकते हैं। फार्म बनाने के लिए हमें लगेगा गाइस यार ये, एक बार मैं इसे लाया था, मुझे यार याद नहीं आ रहा इसे क्या कहते हैं, ओके आयरन हो, तो हमें ये लगेगा गाइस यार। ठीक है मैं इसे कलेक्ट कर लेता हूँ, और हमें इसे इसके साथ साथ गाइस यार यहाँ पर से मैं जो सिंपली खेती करना स्टार्ट कर देता हूँ। ओके ओके तो गाइस यार हमें इससे इस ऐसे करते जाना है, और हमारी जो यहाँ पर से खेती है स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि गाइस यार बारिश गिर रही थी इसलिए यहाँ पर से जो मिट्टी है वो गीली रह गई। तो हमें यहाँ पर से जो है सिंपली इस तरफ में करना है, जो हमने डर्ट लगाई थी गाइस यार वो डर्ट का कुछ काम नहीं है, पहले उस पर घास आने देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर से जो है सिंपली कर सकते हैं। तो गाइस यार मैं पहले पूरा निकाल देता हूँ जल्दी जल्दी। तो गाइस यार आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर लगाते लगाते मतलब पूरा काटते काटते यहाँ पर से मेरी जो खेती की जितनी भी है वो कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पर बारिश इतनी ज़ोर से गिर रही है कि पूछो ही मत। और पता नहीं यार ज़ॉम्बीज कहाँ पर रह गए, शायद मैं फेंस के अंदर हूँ इसलिए मुझे मारने नहीं आ रहे। तो एक काम करता हूँ गाइस यार मैं अभी जाकर सो जाता हूँ, और सुबेरे उठकर हमारे पास जो मैंने गाँव से लूट कर जो सीड्स लाए थे वो सीड्स को हम इसमें डालते हैं, और उसी के साथ साथ वीट उगाते हैं। वीट उगाने के बाद हम शिप्स को, और शिप्स के साथ साथ फ्रेंड्स सीड से हम जो है आसानी से चिकन को भी हमारे तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो गाइस यार चलिए मैं फिलहाल के लिए मैं सोने में जाता हूँ, और सो के उठने के बाद हम करते हैं आगे की फार्मिंग। तो गाइस यार आप लोग देख सकते हैं मैं जो यहाँ पर सुबह से उठकर आ चुका हूँ। अरे क्रीपर भाई भाई यार भाग भाग भाग, ये क्या हो रहा है, मैं जगह पर ही घूम रहा हूँ। नहीं नहीं ओके, तो यार कर दिया इसने फिर से तमाशा यार। ये छोटी सी चीज़ क्या है भाई, ये क्या है यार, ये छोटी सी चीज़ क्या है, मुझे फालतू में मार रही है, मुझे नहीं पता। यहाँ पर एक स्पाइडर भी है भाई साहब, यार दिन हो चुका है तो भी ये घूम रहे पागल के जैसे, और वो यार छोटी सी चीज़ क्या थी मुझे नहीं पता, और कहाँ पर चले गई मुझे उससे लेना देना नहीं है। फिलहाल के लिए मैं मेरी फार्मिंग पर ध्यान देता हूँ, हम उसे बाद में देख लेंगे। तो गाइस यार हमें नहर बनाने के लिए पानी लगेगा, तो मैं थोड़ा नदी से पानी दो बकेट भर लेता हूँ। यहाँ से पहले हम एक बकेट भर लेते हैं, यार मैं पानी में डूब ही गया पानी भरने की जगह। तो पहले मैं यहाँ पर से एक बकेट पानी भर लेता हूँ इस तरफ में, और बाद में दूसरी बकेट भर लेता हूँ। यार दूसरी बकेट कहाँ पर चली गई? तो मेरे ख्याल से वो मैंने पहले भर ली थी, तो हाँ वो फ्रेंड्स मैंने पहले भर ली थी। तो गाइस यार हम यहाँ से अब वापस जाते हैं हमारे खेत के तरफ में, और खेत के तरफ में जाने के बाद हम हमारी जो है सिंपली स्टार्ट करते हैं। खेत के तरफ में जाने के बाद फ्रेंड्स मैं मेरी नहर में पानी डालूंगा, फिर हम सीड्स डालेंगे, उसके बाद
तो गाइज आप लोग देख सकते हैं मेरे पास जो यहाँ पर से सीट्स की थोड़ी सी कमी हो गई थी, लेकिन मैंने वो वापस गांव पर जाकर पूरी कर ली। तो मैं यहाँ पर से फिलहाल के लिए वापस सीट्स डालना चालू कर देता हूँ, क्योंकि मैंने फेंस का गेट जो है खुला छोड़ दिया था, जिसके वजह से यहाँ पर आजू बाजू के जितने भी मुर्गी चिकन उकन थे वो आए और उन्होंने मेरा पूरा सीट्स खा लिया। तो कोई बात नहीं गाइज, मैं यहाँ पर से दोबारा से नहर पर हमारा फटाफट सीड्स डालना चालू कर देता हूँ। और मैंने पहले जितने भी सीड्स डाले थे वो आप लोग देख सकते हैं, कुछ कुछ बचे हुए हैं, तो हम यहाँ से जल्दी जल्दी डालकर हमारे खेत का पूरा ख़त्म कर लेते हैं काम। और जब वीट आ जाएगी फ्रेंड्स, जब यहाँ पर सीड से वीट बन जाएंगे, तो वीट से हम यहाँ पर से काउ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, काउ को के साथ साथ हम यहाँ पर से शिप को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इस तरफ में आने के बाद फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर से भी जल्दी जल्दी खेती करनी पड़ेगी, तो मैं वो भी फटा से कर लेता हूँ। तो गाइस यार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर से मैंने सीड्स लगाते जा रहा हूँ और मेरे ख्याल से पूरे सीड्स कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने थोड़े गांव से और उठाकर ला लिए थे, चुराकर मतलब। तो गाइस यार आप लोग देख सकते हैं फिलहाल के लिए मेरा पूरा खेत का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इंतज़ार करना है सिर्फ वीट का, क्योंकि जब वीट आएगी तो फ्रेंड्स हम वीट जो है सिंपली जानवर को बताएंगे और जानवर हमारे जाल में फंस जाएंगे, हमारे पीछे पीछे आएंगे और हम उनसे आसानी से मतलब। तो गाइस यार आप लोग देख सकते हैं फिलहाल के लिए मेरे जो फार्म में ये सब वीट बड़े हो चुके हैं। मैं वीट को फटाफट काट लेता हूँ और वीट को काटने के बाद हम जाते हैं काऊ के पास, और काऊ के पास जाने के बाद उसे हम हमारी जाल में फंसाते हैं और हमारे फेंस में जो है सिंपली बंद कर देते हैं। मैंने जो उसका फेंस था वो हल्के से थोड़ा बहुत तैयार कर लिया था, जो जानवर का फेंस था। अब मुझे काम करना है सिर्फ बफेलो को बताना है और वो जो है भागते भागते जो है हमारे जाल में फंस जाएगी। और ये कि टर्टल है क्या भाई, टर्टल यहाँ कैसे आया, उस दिन स्टॉर्म गिर रहा था तो क्या उड़ कर आ गया क्या? तो गाइज मैं यहाँ पर जो है दोबारा से सबके सब सीड्स लगा देता हूँ। यार मैं सीड्स की जगह वुड लगाने लग गया और वो जो चिकन घूम रही है फ्रेंड्स वो मेरे सीड्स खाते जा रही है। मुझे नहीं पता वो अंदर करने की आई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर से जो है जल्दी जल्दी सीड्स लगाते जाने और जिसके मदद से हमें और सीड्स मिलेगा और वीट मिलेगी और सुबह होते ही हम जाएंगे जानवर को पकड़ने। और अभी जाता हूँ फ्रेंड्स मैं फिलहाल के लिए सोने। तो गाइज मैं सिंपली यहाँ से नीचे की तरफ मैं चले जाता हूँ और वहाँ पर एक चिकन घूम रही है जिसे मैंने रात में पकड़ा था, जो मेरे फार्म में घूम रही थी और मेरे हाथ में मुझे देखकर पता नहीं क्यों बाहर आ गई। और ये फ्रेंड्स अंदर बाहर चक्कर मारते जा रहे हैं। मैंने जो यहाँ पर फेंस है थोड़ा सा गलत लगा दिया है। अब एक काम करते हैं फ्रेंड्स, मैं बीच में एक डिवाइडर बनाऊंगा जिसमें मैं चिकन रखूंगा और दूसरा डिवाइडर बनाऊंगा जिसमें बफेलो रखूंगा। तो गाइस यार चलिए फिलहाल के लिए मैं बफेलो चिकन को ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। और मुझे पता है यार वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। तो गाइस यार रात हो चुकी थी इसलिए मैं यहाँ पर आकर सो गया था। और आप फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं बाहर जाकर आपको बता देता हूँ, मेरा जो खेत है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो गाइस यार आप देख सकते हो नीचे की तरफ में, ये हमारी तरफ में, इस तरफ में यहाँ पर हमारा खेत है फ्रेंड्स ये वाला, और इस तरफ में फ्रेंड्स हमारे काऊ। और ये शिप अंदर कहाँ से आ गई पता नहीं, लेकिन फ्रेंड्स इस तरफ में मेरे काऊ और चिकन रखे हुए हैं। और ये सामने की तरफ में लांबा घूम रहा है और पता नहीं वो वहाँ पर आया कैसे। सामने की तरफ में लांबा और यहाँ पर हमारे काऊ, शिप और चिकन्स हैं। तो गाइस यार अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाक से वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यार वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग गेमिंग प्लस मॉडिंग वीडियोस देखनी है तो फटाक से वीडियो को जाकर लाइक कर देना। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आप अनलिमिटेड डायमंड कैसे बना सकते हो आपकी माइनक्राफ्ट में। आज के इस वाली वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।